ये भांग आ गई, वाह जबरदस्त भांग है ये, भांग है। अच्छा ये भांग इसमें डाल दिया, वाह इस तरीके से इसको मिलाते हैं। वाह वाह। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन यमी फूड। अभी हम लोग मथुरा में है एंड यहाँ पे भांग की दुकान करके यहाँ पे फेमस है भांग के लिए। बाबा तो दूसरा तो चित्ती है वो। ये सर कौन सा वाला बना रहे? ये गुलकंद का फ्लेवर है। गुलकंद का फ्लेवर है, वाह बहुत ही टेस्टफुल होता है ये भी, बहुत टेस्टफुल रहता है। अच्छा ये भांग है, ये भांग है। अच्छा ये भांग इसमें डाल दिया, वाह इस तरीके से इसको मिलाते हैं। वाह ये इस तरीके से इसको मिलाते हैं, मिला करके इसको छान लेते हैं, ऐसे करके इसको छानते हैं। ये कितने वाला सर ग्लास है? ये 10 रुपए का गिलास। ये 10 वाला ग्लास। अच्छा देखिए ये भांग आ गई, वाह जबरदस्त। ये सब फ्रिज में ही रहता है, ठंडा रखना पड़ता है ना इसको, खराब नहीं होता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये सब काफी फेमस है भांग के लिए, मथुरा में बहुत चलन है। मथुरा में बहुत चलन है, आपको यहाँ पे काफी वेरायटी में भांग मिल जाएगी, जलजीरा, बेले, गुलकंद, मट्ठा, ठंडा। हमारा बहुत पुराना काम है भांग का। अच्छा कम से कम 25 साल से ऊपर का काम है। 25 साल से ऊपर, वाह बढ़िया। हमारे पिताजी करते थे, अब उनके बाद में हम करते हैं, बहुत पुराना काम है। हमारे पिताजी का भांग में बहुत नाम है, हम क्वालिटी देते हैं, बहुत सफाई से काम होता है हर चीज का। तो दाऊ बाबा का प्रसाद बोलते हैं भांग ठंडाई का। भांग ठंडाई का। अच्छा भांग ठंडाई का, ये भांग ठंडाई है। अच्छा इसको मनोरंजन के लिए, दाऊ जी का प्रसाद के लिए लेते हैं, मथुरा में फेमस है। अच्छा वाह बब्बू गुरु भांग वाले। मैंने आईडी में भी डाल दिया। ये सर कितने का रहता है ये? मतलब ये 50 रुपए का गिलास है। 50 रुपए का गिलास है। अच्छा मथुरा में फेमस है, लोग ज्यादा पीना पसंद करते हैं ये। अच्छा देखो ये बब्बू गुरु भांग वाले, वाह होली गेट मथुरा। दूसरे ग्लास में कर दो, वाह जबरदस्त। देखो वो भांग रहती है, भांग मेन भांग है। अच्छा ये इसमें डाल दिया, ये इसमें क्या डाल रहे? ये शरबत है गुलकंद का। अच्छा गुलकंद का शरबत है, वाह बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी रहता है। वाह ये नॉर्मल वाली है ना? हाँ ये नॉर्मल नॉर्मल वाली है। अच्छा दारू पीने वाले को छनवा दो, दारू पीना बंद कर दो। दारू पीना बंद कर देंगे, इतना मतलब बढ़िया है ये। अच्छा भोलेनाथ का प्रसाद है ये, भोलेनाथ का प्रसाद समझ के लेते हैं सब। ये 25 रुपए का गिलास है, ये 25 रुपए का गिलास है। इसको क्या ठंडाई भांग बोलते हैं? ठंडाई बादाम पिस्ता केसर का मिल्क ठंडाई है। ओके मिल्क ठंडाई है। ले जाने यहाँ से। ये देखो यहाँ की ठंडाई है। अच्छा और ये भांग है।